हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया? तो दोस्तों, इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, लैटिन, अंग्रेजी, ग्रीक। तो दोस्तों, जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ग्रीक। जो एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया। किससे लिया गया दोस्तों? ग्रीक। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एग्रो प्लस नोमस। अगर दोस्तों कहीं पूछ ले एग्रोनॉमी किन दो शब्दों से मिलकर होता है, तो एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के दो शब्दों एग्रो प्लस नोमस से मिलकर बना होता है। इसी तरह दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन है, भूमि की नमी मापी जाती है। तो दोस्तों, भूमि की नमी है वो किसके द्वारा नापी जाती है? तो इसमें दोस्तों तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, हाइग्रोमीटर, फोटोमीटर, टेंसियोमीटर। तो दोस्तों, जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा टेंसियोमीटर। दोस्तों, जो भूमि की नमी है वो टेंसियोमीटर के द्वारा नापी जाती है। इसी तरह दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन है, गेहूँ में पहले सिंचाई किस अवस्था में करनी चाहिए? तो दोस्तों, इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, कलम फूटते समय, गांठ फूटते समय, सी आर आई अवस्था। तो दोस्तों, जो हमें गेहूँ में पहले सिंचाई है वो सी आर आई अवस्था पर करनी चाहिए। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, गेहूँ में कुल सिंचाई होती है अवस्था होती है वो छः होती हैं। तो इसी तरह दोस्तों, और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों, जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो दोस्तों, इसमें नकदी फसल की बात की गई है, तो इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, गेहूँ, चाय, धान। तो दोस्तों, जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा चाय। चाय जो है वो मेन नकदी फसल है। इसी तरह दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित कौन सी फसल खैरा रोग लगता है? तो दोस्तों, जो खैरा रोग है वो कौन सी फसल में लगता है? तो इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, धान में, गेहूँ में, ज्वार में। तो दोस्तों, जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा धान में। और दोस्तों, ये किसकी कमी से लगता है, ये भी कोई कोई पूछ ले, तो ये जिंक की कमी से लगता है। किसकी कमी से लगता है? जिंक की कमी से। तो दोस्तों, ये याद रखना, ये कभी कभी पूछ लेते हैं। इसी तरह दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं मेरे अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन है, धान में कितने पुंकेसर पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसमें धान में पुंकेसर की संख्या पूछी है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन, तीन, छः, पाँच, चार। तो दोस्तों, जो मेरा राइट आंसर होगा वो ये होगा, छः। कितना होगा? छः। धान में पुंकेसर की संख्या होती है वो छः होती है। और दोस्तों, इसी तरह मैं अपने अगले क्वेश्चन की बात करूँगा। मेरा अगला क्वेश्चन है, गेहूँ किस कुल का पौधा है? तो दोस्तों, जो गेहूँ है वो किस कुल का पौधा है? तो दोस्तों, बताएं गेहूँ, इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्रेमनी, सोलेनेसी, लेग्यूनेसी। तो दोस्तों, जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ग्रेमनी। गेहूँ ग्रेमनी कुल का पौधा है, और सोलेनेसी की लेग्यूनेसी तो और अदर वैरायटी आ जाती है दोस्तों। और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन है, चिप्सोना किसकी प्रजाति है? दोस्तों, चिप्सोना है वो किसकी प्रजाति है? ये तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा। देखते हैं कौन से बताता है। फिर भी तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, शकरकंद, आलू की, कपास की। तो दोस्तों, जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा आलू की। दोस्तों, आपको ये तो सबको पता ही होगा कि चिप्सोना प्रयोग अधिकतर चिप्स बनाने में किया जाता है। जो चिप्सोना प्रजाति है आलू की, उसका प्रयोग अधिकतर चिप्स बनाने में किया जाता है। ये तो आपको सबको पता ही होगा। इसे दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों, जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो, एग्रीकल्चर किस जो एग्रीकल्चर शब्द है वो किससे लिया गया है? तो दोस्तों, जो एग्रीकल्चर शब्द किससे लिया गया है, इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, लैटिन, ग्रीक, फ्रांच। तो दोस्तों, जो मेरा सही आंसर होगा वो होगा लैटिन। जो एग्रीकल्चर शब्द है, जो एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, जितने भी कल्चर लगा होता है, जिनके भी लास्ट में कल्चर लगा होता है, वो सभी लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। किसके होते हैं? लैटिन भाषा के। और जिनके लास्ट में नोमस नोमी लगा होता है,
नोम ही लगा होता है, बहुत सभी किसके होते हैं ग्रीक भाषा के। तो दोस्तों ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक सौ परीक्षा में पूछ लेते हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। बताना वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके बताना कैसी वीडियो लगी। चलो दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।